हो ना 49 वाटर टेंडर का ए बी 49 है तो ए मेरे ख्याल में स्मॉल टेंडर और उसका होता है ए और बी फर्क। हाँ कोई बात ना, आई एस 949-950 है, ठीक है। अब इसमें क्या लगता है, एक खाली चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर टैंक बना दिया और साथ में हमारा क्या है जो पॉपुलर साफ्ट बोलते हैं उससे अलग साफ्ट लेके इसमें क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया है, हमारे पंप को जब भी कभी कहीं भी खुले पानी से पानी निकालने के लिए आवश्यकता होगी या पानी लेने के लिए आवश्यकता है तो उसमें एक प्राइमिंग सिस्टम का जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब तक प्राइमिंग नहीं करेगा तब तक आपका पंप पानी नहीं उठाएगा, ठीक है। प्राइमिंग सिस्टम इसमें ये लगा रखा है नीचे, ये ऑटोमेटिक प्राइमिंग सिस्टम लगा हुआ है इनके अंदर, अंदरूनी है, अंदरूनी है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक लगा हुआ, ठीक है। ये जो पाइप आ रही है देखो, ये जो जा रही है पाइप, ये क्या है, ऊपर हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर को पानी फेंकने के लिए यूज है। मॉनिटर हमेशा 100 मीटर से लेकर 150 मीटर या 120 मीटर तक पानी फेंकता है, ठीक है। इसमें दो डिलीवरी है, दो आउटलेट है, एक इनलेट है। ये जो पाइप आ रही है ये हमारी कहां से है, टैंक से, वाटर टैंक से आ रही है, मेन वाल, वाटर टैंक टू पंप मेन वाल, ठीक है। ये मेन वाल हो गया, उसके बाद में होजरिल होज का ये, तो होजरिल होज चलेगा तो ये भी वाल है, ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ क्या जोड़ेंगे, डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर एक चीज और होती, देखो इसमें भी ये इसके अंदर शायद गाड़ी के अंदर एक देखना होगा उसके लिए। इसमें क्या है, इसमें फोम का सिस्टम नहीं है, नहीं तो क्या होता है, यहाँ से जो वहाँ टैंक डिवाइडेड कर दिया जाता है, एक फोम टैंक, फोम टैंक की तकरीबन कैपेसिटी होती है 500 से लेकर 1000 लीटर तक, ठीक है। और एक होता है आपका वाटर टैंक, वाटर टैंक की कैपेसिटी वाटर 5 से 6 हजार लीटर तक वाटर कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद में ये होजरिल का हो गया, उसके बाद में हमारे पास में पॉपुलर सरफेस, इसको इस पंप को कौन सा पंप बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इसमें से क्या होता है, एक इम्पेलर होता है, इम्पेलर का काम है कि पानी लेना और उसको प्रेशर से बाहर फेंकना। तो ये दो डिलीवरी वाल है, इसको डिलीवरी होज लग जाएंगे, उसके बाद में फायर फाइटिंग कर सकते। इसमें देखो कितने गेज लगे हुए हैं, तीन गेज, कंपाउंड गेज, ठीक है ना, कंपाउंड गेज, एक होजरिल होज का है और दूसरा एक प्रेशर गेज होता है, ठीक है। अब ये देखो सुई, जो कंपाउंड गेज की सुई 10 है ना, 10 है ना, जीरो पे, जीरो पे। जब कभी भी पंप हम आउटलेट ना करेक्शन आपका इससे खुले पानी से जब हम पानी लेते हैं तो उस समय आपकी ये माइनस में सुई आ जाएगी 20 तक, जब पानी किसी से लेते हैं, पानी ओपन ओपन सोर्स से जब पानी लेंगे तो कंपाउंड गेज की सुई माइनस में आ जाएगी, कितनी गहराई से पानी उठा रहा है, 24 फीट 20 फीट, ये फीट का ये बताएगी, ये बताएगी कंपाउंड गेज, ठीक है। और जैसे ही पानी पंप उठा लेगा तो ये सुई जीरो पे ही आ जाएगी, ठीक है। सुई कहाँ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी और पंप की आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, क्यों, दबेगा पंप, पानी खींचेगा तो दबेगा, ठीक है। तो दो ही चीज से हम यही संभावना कर सकते हैं कि हमारे पंप ने पानी उठा लिया है, या तो ये जीरो में और या फिर पंप की आवाज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये है हमारे पास में प्रेशर गेज, ये पॉन्ड्स का है और ये केजी का है, समझिए, ये किसका है, पॉन्ड्स का रेड वाला, और ये किसका है, केजी का। ऐसे ही इसका है, ये भी आपका क्या है, होजरिल होज के लिए, प्रेशर गेज के लिए, ठीक है। दोनों ही सुई आपका प्रेशर गेज का काम करती है, ठीक है। अब कंपाउंड गेज की सुई देखो कहां से लगी है, अंदर से, जो आपका इनलेट पानी लेता है, शक करता ना पानी, वहां से लगी। और प्रेशर गेज की दोनों सुई आपकी कहां लग रही है, जहां से प्रेशर फेंकता है, आउटलेट, ठीक है। अब उसके अंदर ये मेन वाल हो गया,
पंप का प्राइमिंग कब किया जाता है? जब हम खुले पानी से पानी देते हैं। इसमें देखो कई चीज लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है कब से लीटर। देखो इसमें यह क्या है, मैक्सिमम फ्लो 2000 लीटर पर मिनट 7 bar या 7 kg, 7 kg प्रेशर होगा तो 2000 लीटर पानी आपका आउटपुट देगा पर मिनट, एलपीएम लीटर पर मिनट एलपीएम, ठीक है। तो ये 2000 लीटर पर मिनट में आपका पानी देगा, ठीक है। उसके बाद में प्राइमिंग, प्राइमिंग में पहले भी बताता रहता था आप लोगों को, प्राइमिंग कब किया जाता है? जब खुले पानी से पानी लेना पड़ता है तब हमें इसको प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है। आजकल समरसेबल चल रहे हैं, मोटर या पंखा चलता है तो उसमें खोलना पड़ता है हवा निकालने, इसमें हवा ऑटोमेटिक निकलेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक निकलेगी। और पानी उठा लेगा तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि पानी उठा लिया है कि, या तो पंप का आवाज चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर गेज की सुई, ये करेक्शन कंपाउंड गेज की सुई जीरो पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में प्राइमिंग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है प्राइमिंग, प्राइमिंग की डेफिनेशन कैसे दोगे, प्राइमिंग की डेफिनेशन कैसे दोगे, या पंप किसे कहते हैं? पहले पंप पे ही आ जाइए, ये तो पार्ट पुर्जे बता दिए। पंप किसे कहते हैं? पंप एक ऐसी मशीन है जो किसी बाह्य ताकत द्वारा चलाई जाती है। और बाह्य में क्या हो गया, आपका मैनुअल भी हो सकता है, आपका मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी पंप होता है, ठीक है। अब जैसे ट्रैक्टर यहाँ चलता रहता है, देखा सबने, तो कौन चला रहा है उसको? ट्रैक्टर चला रहा है, मैकेनिकल हो गया ना, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है। तो वही है, पंप एक ऐसी मशीन है जो किसी बाह्य ताकत द्वारा चलाया जाता है, जो पानी को लिफ्ट कर सकता है और प्रेशर से पानी को बाहर दे सकता है, उसी को पंप कहते हैं, ठीक है। प्राइमिंग किसे कहते हैं? प्राइमिंग उसे कहते हैं खुले पानी से जब पानी लेना पड़ता है तो सेक्शन होज और पंप केसिंग की हवा को निकालकर वायुमंडलीय दबाव से पानी को पंप केसिंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को प्राइमिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमिंग जब करते हैं तो 45 सेकंड में हमारा पंप पानी उठा लेना चाहिए, नया पंप होगा तो 40 सेकंड में पानी उठा लेना। अब ये तो नहीं कि 150 फुट से उठाएगा पानी, उसकी कैपेसिटी है 20 से 24 फीट की दूरी गहराई से, ठीक है, 20 से 24 फीट की गहराई से, कई कई पंप 30 फीट भी उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आपका 20 से 24 फुट तक पानी वो आपका 45 सेकंड में उठा लेना, ठीक है, यही होता है पंप के। अच्छा, अब ये होजरी लो, होजरी लो तो जो आपके वहां लगे हुए सेम होजरी लो, एक आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। अब इसका ऑपरेट करने का तरीका, हमेशा कभी भी ऑपरेट करते हैं तो हम टेंडर में पहले तो टॉप गियर लगाते हैं, फिर ट्रैक्टरों में देखा होगा हम पीटीओ डालते हैं, तो टॉप गियर लगाने के बाद में पीटीओ लगाते हैं। पीटीओ का मतलब क्या होता है? पावर टेक, यानी कि जो इंजन की पावर को न्यूट्रल करता है और पंप की पावर को शाफ्ट को चलाता है, लोड लेता है, इंजन की पावर को कट ऑफ कर देता है। पीटीओ का मतलब ये होता है पावर टेक ऑफ, ठीक है। अब इसमें मैं एक मिनट ऊपर चढ़ता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या आइटम रखा है, कुछ है, ये क्या है? एक्सीलेटर। जब कोई भी डीसीपीओ, डीसीपीओ का फुल फॉर्म ड्राइवर पावर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जो वो ड्राइवर होगा तो वो आगे नहीं जाएगा एक्सीलेटर के लिए, वो यहीं से एक्सीलेटर देगा, यानी कि जो भी पानी का प्रेशर बढ़ाएगा तो एक्सीलेटर द्वारा यहीं से बढ़ाएगा, ठीक है।